Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 7, चाचा नेहरू का पत्र। पत्र विशेष। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत स्नेह करते थे। वे समय समय पर बच्चों के लिए पत्र लिखा करते थे। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, नई दिल्ली, 14 नवंबर 1960। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है वह अब मिट नहीं सकता, परंतु मैं बड़े लोगों के समान उपदेश नहीं देना चाहता। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूँगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, सुंदर दुनिया, सुंदर खिले हुए फूल, लहलहाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए पेड़, चमकते हुए तारे, इन सब के बारे में। हमारे आसपास कितनी सुंदरता है। तुम लोग आंखें खोलकर ध्यान देकर इन चीजों का आनंद लो। क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज से उसका नाम बता सकते हो? यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि मित्रता करना कितना सहज है। तुम्हें परी कथा मालूम है? यह युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और इन सब का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। मैं यूरोप गया था, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना अधिक पसंद करता था। जब भी मुझे समय मिला मैंने उनके साथ दोस्ती की। सभी स्थानों के बच्चे एक से होते हैं। वैसे सभी लोग एक ख्याली दीवार बना लेते हैं, वे उससे बाहर जाने से डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, राज्य, भाषा, रीति रिवाज, ऐसी ही दीवारें हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें वैसे वैसे बड़ों से यह बात मालूम होती जाती है। मैं आशा करता हूँ तुम इन बातों में छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। मैंने तुरंत भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पहुंचे। उनमें से बहुतों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। वह उनके विचार से भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारत की भावना उपजी। जापानी बच्चे भारत के बारे में सोचने लगे। हमें भी दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के तमाम बच्चे एक से हैं, सभी समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हमारा देश महान है। श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, गांधी जी जैसे महापुरुषों का देश है। हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तभी हम तुम सब ऊपर उठेंगे। तभी दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश भारत के लोग हैं। अच्छा, और फिर कभी लिखूंगा। जय हिंद। तुम्हारा चाचा जवाहरलाल नेहरू। शब्दार्थ: अंतर का अर्थ है फर्क, समान का अर्थ है तरह, उपदेश का अर्थ है ज्ञान की बातें, सहज का अर्थ है आसान, अपेक्षा का अर्थ है बजाय, पंथ का अर्थ है संप्रदाय, वर्ण का अर्थ है जाति, प्रतीक का अर्थ है चिन्ह, उन्नति का अर्थ है प्रगति, शिखर का अर्थ है चोटी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।